अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ समय पहले इस हवेली को बेच दिया था और वो नया मालिक वो भी इस हवेली को आगे बेचना चाहता था। हमें पता है तुम्हें इस हवेली से कितना लगाव है, इसीलिए हमने खरीद ली तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। महिमा आंटी, सिर्फ हमें ही नहीं घर के हर सदस्य को इस हवेली से बहुत लगाव था। इस घर को बेचने के पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है और जब तक हम उसकी वजह नहीं जान लेते तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हम फिर से कॉल करते हैं। चलिए, ये बहुत अजीब है, सबका नंबर अचानक ही बंद हो गया, क्या हुआ, क्या होगा उनके साथ? ये पत्थर कहाँ से है? बड़ी मैम साहब, बाहर बहुत भीड़ है, वही लोग अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। सुमन रॉय, हाय हाय। सुमन रॉय, हाय हाय। माँ, क्या है ये सब? महिमा आंटी, आप शैशव को संभालिए, हम अभी आते हैं। सुमन, कहाँ जा रही हो तुम? डॉक्टर राजीव, रास्ते भर अपने नाम का पोस्टर देखते हुए आए और अब ये नारे, हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये लोग इतने नाराज क्यों है हमसे, आखिर हमने किया क्या है? देखिए, पूरे शहर की शांति का सवाल है, हमें जाना ही होगा। बी केयरफुल। राजीव, तुम पुलिस को फोन लगाओ। हम जी। वाह, क्या जिम्मेदारी निभाई है आपने, आपको तो सुमन के नाम का मेडल पहना देना चाहिए। संध्या। चुप। अंतिम बार कह दे रहे हो कि उस मनहूस का नाम इस घर में लिया ना किसी ने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस मनहूस का पाप का फल भुगत रहा है पूरा घर परिवार, हवेली से आके पड़ गए इस कबूतर खाने में, यहाँ तक कि बाऊजी का दवा के लिए भी चार बात सुनना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि इस घर में उसके नाम का और कोई कला कलेश हो। पूजा, सुमन रॉय, हाय हाय। 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 भैया आ गई, भाइयों अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज रुक जाइए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। प्लीज देखिए, हम आप सबके सामने निहत्थे खड़े हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है और हम आप सबको चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपके ये उदास चेहरे, आपकी नाराजगी, ये गुस्सा, ये सब हमें परेशान कर रही है। आप बस हमें इतना बताइए, आप लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? हमने तो कुछ किया भी नहीं है, प्लीज बताइए। तुम्हारी वजह से सुमन सिल्क उद्योग की फैक्ट्री बंद होने के कगार पे आ गई है। चार महीने से हम सबको पगार नहीं मिला, हम सब सड़कों पर आने वाले हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और अब ये सब जानबूझकर नौटंकी कर रही हैं, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। इन अमीरों के दिल की तरह इनके वादे भी झूठे हैं, अब इनकी तानाशाही और नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। सुमन रॉय, सुमन रॉय, सुमन रॉय, सुमन रॉय। देखिए, हम आप सबकी मनोदशा समझ सकते हैं, हम आपकी उदासी भी समझ सकते हैं, लेकिन लेकिन आप सबको कोई गलत फहमी हुई है। सुमन सिल्क उद्योग ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उस फैक्ट्री की मालकिन नहीं है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज, हमने आप सबके साथ बुरा नहीं किया, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सुमन, आर यू ओके, ठीक हो तुम? ठीक ही तो होगी ना डॉक्टर राजीव। नंदन, नंदन, अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें बताओ ना सब कहाँ हैं, पापा, सुरभि, ये सब कहाँ हैं, हमें बहुत चिंता हो रही है, बताओ ना नंदन प्लीज। मिसेस सुमन रॉय, लोगों के चेहरे बदलते हुए तो बहुत देखा है मैंने, लेकिन पूरा का पूरा किरदार बदलते हुए पहली बार देख रहा हूँ मैं। नंदन, ये तुम क्या कह रहे हो, हमने किया क्या है? गुड क्वेश्चन, हमने किया क्या है? नंदन,
नंदन, आप अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव, रुक जाइए। ये तुम्हारी मक्कारी का पहला पन्ना, जिसकी वजह से हमें हमारा घर छोड़ना पड़ा, हमसे हमारी छत छीन गई, हम सब के सब बेघर हो गए। ये तुम्हारी मक्कारी का दूसरा पन्ना, जिसकी वजह से हमसे हमारी फैक्ट्री छीन गई, हमारी रोजी रोटी छीन गई, मिसेस सुमन रॉय, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मक्कारी की वजह से। उठे, ये तुम्हारी मक्कारी का तीसरा पन्ना, जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्री के सारे मजदूरों के घर का चूल्हा जलना बंद हो गया, सबके सब दाने दाने को मोहताज है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये है तुम्हारी सच्चाई मिसेस सुमन रॉय। नहीं नंदन, शट अप। हाँ, तुम्हारे इस मासूम चेहरे से तुम बिग बी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, समझे तुम? और अब तुम्हारे इस मासूम चेहरे से नकाब हटाने का समय आ चुका है, और वो मैं हटा कर रहूंगा। नंदन, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? अरे हम सुमन हैं, तुम तो हमें अच्छे से जानते हो ना, फिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो? नंदन, कहने के लिए तो बहुत कुछ है मिसेस सुमन रॉय, बेहतर यही होगा कि तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। अब दोनों ठीक हैं? हम ठीक हैं इंस्पेक्टर, आप इन्हें देखिए। देखिए, आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, वरना आप लोगों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सुमन, चलो तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ, खून बह रहा है। खून तो बहुतों का बह चुका है डॉक्टर राजीव। नंदन, तुम हमें साफ साफ पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? बताओ ना सबका है, प्लीज। अगले दो मिनट में आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम सिर्फ तुम्हें दो मिनट का मोहलत दे रहे हैं। नंदन, प्लीज बताओ ना, काय सुन भी माँ, पापा, दादा जी, बड़ी माँ, काय सब, हमें बहुत चिंता हो रही है, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज बताओ नंदन, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। नंदन, तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। नंदन, नंदन रुक जाओ, प्लीज नंदन, प्लीज, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, बताओ ना सब। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ मिसेस सुमन रॉय, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है ना? हाँ, ये फैक्ट्री, ये हवेली, सब कुछ, ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। नंदन, हमारी बात तो सुनो। नंदन, नंदन रुक जाओ। सुमन रॉय, नंदन, सुमन रॉय, नंदन, डॉक्टर राजीव, देखिए ना नंदन क्या बोलकर चला गया हमें, हमने कुछ भी नहीं किया। ये नंदन ऐसे क्यों बोल रहा था, क्यों बोल रहा था डॉक्टर राजीव? सुमन, चलो अंदर चलो बेटा, कम ऑन। ये नंदन क्या बोलकर चला गया, आखिर सभी घर वाले हैं कहां? देखिए पलकों की छांव में टू, सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।